Assalamu alaikum. This is lecture 43 of Introduction to Psychology. पिछले लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात की थी और हमने ये कहा था कि साइकोलॉजिस्ट जहाँ जिंदगी के मुख्तलिफ और शोबों में काम करते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में उनकी बहुत जगह है और बहुत अहमियत है. मकसद ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ में असिस्ट किया जाए कि वो अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करे और उसके वर्कर्स अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करें, वर्कर्स मोटिवेटेड हों और जॉब सेटिस्फाइड भी. आज के लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड एक और शोबे का जिक्र करेंगे जो कि है कंज्यूमर साइकोलॉजी. लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में किन चीज़ों का जिक्र किया था. वी टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, focus of interest of industrial organizational psychology, selecting the right person for the job, workers motivation as an issue in industrial organizational psychology, strategies for fitting the job to the person, job satisfaction, ways of enhancing job satisfaction and workers safety and job satisfaction. Aaj ke lecture mein hum एक नया मौजू शुरू कर रहे हैं. उसका ताल्लुक इस बात से है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में भेजता है तो क्या उसको ये आइडिया होता है कि इसके पोटेंशियल कंज्यूमर्स मौजूद हैं या नहीं, और ये कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं और आपके ख्याल में वो काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी इनकम जनरेटिंग प्रोडक्ट हो सकती है तो आप किस तरह से लोगों को इस बात पर माइल करें, किस तरह से उनको अट्रैक्ट करें कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदें. ये काम कंज्यूमर साइकोलॉजी में किया जाता है और कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस शोबे में रिसर्च करते हैं और इसमें स्पेशलाइज करते हैं. लेकिन कंज्यूमर साइकोलॉजी की तफसील में जाने से पहले आइए कुछ चीज़ों पर गौर करते हैं. ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चन. वाई डू मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स? वाई डू एडवर्टाइजर्स use models in the advertisements? Why do advertisers use cartoons rather than human models in the advertisements of children's products? Why do manufacturers introduce only one new model in a year? How will we decide what to buy if there were no advertisements? Yani ye cheeze aksar hamare zehen mein uthti bhi hain, kai dafa hum in pe gaur karte hain aur aksar aukaat हम इनको बिल्कुल फरामोश कर देते हैं और अपने बाइंग हैबिट्स को जारी रखते हैं. क्या हो अगर किसी चीज़ का कोई इश्तहार किसी अखबार में या टेलीविज़न पर या रेडियो पर ना हो? हमें क्यों कर मालूम होगा कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं? ना सिर्फ ये कि हमें इश्तहारों की वजह से प्रोडक्ट्स की मौजूदगी का पता लगता है, इसके अलावा इश्तहार एक और फंक्शन भी करते हैं. एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट अ नीड इन द कंज्यूमर्स. यानी हो सकता है कि आप इस बात से आगाह ना हो, आपको इस बात की अवेयरनेस ना हो कि आपको एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत हो सकती है या कोई एक ख़ास चीज़ ऐसी है जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है अगर इश्तहार ना होते. इश्तहार के ज़रिए हमें नित नई चीज़ों के बारे में पता चलता है और अक्सर औकात उनको पढ़कर या उनको सुनकर या देखकर एक नई नीड हम में पैदा होती है और हम सोचते हैं कि अच्छा मुझे भी ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए. इसके साथ साथ इश्तहार अगर हम उन पर गौर करें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के इश्तहार मुख्तलिफ तरह से बनाए जाते हैं. बच्चों के प्रोडक्ट्स के इश्तहार में कार्टून्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनके जिंगल्स ज़्यादा म्यूज़िकल होते हैं. बड़ों की प्रोडक्ट्स के इश्तहार में आम तौर पर अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और म्यूज़िक मेन सोर्स नहीं होता, म्यूज़िक बैकग्राउंड में होता है. ये सब चीज़ें जब की जाती हैं तो उनको बग़ैर सोचे समझे नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे खासी रिसर्च और ख़ासा काम पिन्हा है. इस तरह की रिसर्च और एडवर्टाइजिंग किस तरह से की जाए, लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए मैसेजेस किस तरह से दिए जाएं, ये तमाम तर काम कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि कंज्यूमर साइकोलॉजी है क्या. कंज्यूमर साइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर and the effect of advertisement on their behavior. Psychology ki wo branch
जो ये देखती हैं कि कंज्यूमर्स किस तरह से चीज़ों के बारे में डिसाइड करते हैं, क्यों कुछ प्रोडक्ट्स को वो पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं और दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देते, और वो क्यों कर फैसला करते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खसूसियात होती हैं जो कि किसी पोटेंशियल बायर को या कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकती हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी फोकसेस अपॉन कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग एंड देयर बिहेवियर इन द मार्केट प्लेस। और फिर ये कि जब एक कंज्यूमर मार्केट प्लेस में है, किसी बड़े स्टोर में है या किसी छोटी सी दुकान पर है, तो वो अपने जहन में वो कौन से कॉग्निटिव प्रोसेसेस से गुजरता है, किस तरह की डिसीजन मेकिंग करता है और फिर फैसला करता है कि वो प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी में से किसको चुने। हो सकता है प्रोडक्ट ए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, प्रोडक्ट बी कम कीमत की हो, लेकिन सोचने के बाद एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि वो महंगी प्रोडक्ट को ले लेता है, गो के उसकी कीमत उसकी इस्तेदात से शायद ज़्यादा हो, लेकिन वो ये फैसला करता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से बेहतर है, कोई बात नहीं अगर मैंने इसमें ज़्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन ये मुझे जो सर्विस देगी वो दूसरी प्रोडक्ट से बेहतर है और रिलायबल है। द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन पीपल्स एटीट्यूड एंड बाइंग हैबिट्स इज एन एरिया ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट फॉर अ कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट। इसके साथ साथ जैसे कि हमने पहले कहा, एडवर्टाइजमेंट्स भी कंज्यूमर साइकोलॉजी का एक शोबा है। इश्तहार कैसे बनाए जाएं, उसमें मैसेजेस कैसे कन्वे किए जाएं, किस तरह के मॉडल इस्तेमाल किए जाएं और इश्तहार को किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, इस पर भी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं और रिसर्च करते हैं। आपको याद होगा जब हम सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड्स की बात कर रहे थे तो हमने उसमें ये बात की थी कि मैसेजेस को किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, और इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो अहम हैं, जैसे कि नेचर ऑफ मैसेज क्या है, नेचर ऑफ टारगेट ऑडियंस क्या है और मैसेज डिलीवर करने वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी में भी इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और इस पर खासा काम मौजूद है। कंज्यूमर साइकोलॉजी इज डिविजन 23 ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और APA। Consumer Psychology is Division 23 of APA. This shows that this is one of the older divisions in APA. हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था, हम APA या American Psychological Association का हवाला इसलिए देते हैं क्योंकि वो एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस सतह पर और जिस पैमाने पर वो ऑर्गेनाइज है और साइकोलॉजी में और उसके मुख्तलिफ शोबों को जिस तरह से उसमें डील किया जा रहा है उसकी मिसाल शायद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाई जाती, गो के मुख्तलिफ ममालिक में उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एसोसिएशंस मौजूद हैं, लेकिन APA बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लेवल पर काम कर रही है। कंज्यूमर साइकोलॉजी डिवीजन 23 है, इसका मतलब है कि वो एक रीसेंट डिवीजन नहीं है, उस पर बहुत बरसों से काम हो रहा है। APA में इस वक्त 55-56 डिवीजन मौजूद हैं। 23rd डिवीजन का मतलब है कि कम अज़ कम ये डिवीजन 60s में भी मौजूद था और शायद 50s में भी, किसी मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है ये मौजूद हो, लेकिन ये एरिया और इसमें की जाने वाली रिसर्च एक नई चीज़ नहीं है बल्कि एक बहुत पुराना फील्ड है। व्हाट डू कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट स्टडी? कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बहुत सी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, बहुत सी चीज़ें उनके इंटरेस्ट के फोकल पॉइंट्स हैं, जिनमें से चंद का हम जिक्र करेंगे। The responsive attitude of humans towards the product and service-related information and experiences. Responses such as emotion, feelings, attitudes, beliefs and judgment, as well as purchase decisions and consumption practices. Consumer psychologist is cheez ko study karta hai ki jo product market mein kisi consumer ko available hai wo uski taraf kaise respond karta hai, kis tarah se uske zehen mein या उसके सोच में एक उसके लिए लाइकिंग पैदा होती है या किसी चीज़ को वो नापसंद करता है, किस तरह से वो ये डिसीजंस करता है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, और अगर कोई प्रोडक्ट उसको नहीं चाहिए तो भी वो क्यों का फैसला करता है कि वो उसको ख़रीद ले। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी छोटी दुकान पर जाएँ जिसमें आप काउंटर पर खड़े होकर शॉपिंग करते हैं, तो आप दुकानदार को चीज़ों की लिस्ट दे देते हैं या नाम बोलते जाते हैं और वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ उन चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं जो आपने घर से सोचा था कि आपको चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ वही ख़रीदा जाता है जिसकी ज़रूरत थी।
लेकिन अगर आप किसी बड़ी सुपरमार्केट में जाएं जहां पे आपके पास एक ट्रॉली या बास्केट है और सब चीज़ें आपके सामने मुख्तलिफ शेल्फ में खुली मौजूद हैं तो अक्सर अवकात आप ऐसी चीज़ें उठा लेते हैं जो आपने नहीं सोचा था कि आप ख़रीदेंगे, लेकिन क्योंकि आपके सामने मौजूद होती हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं और अवेलेबल होती हैं और आप सोचते हैं कि शायद मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उनको उठा के ट्रॉली में रख लेते हैं और ख़रीद लेते हैं। जिसका मतलब है कि इन चीज़ों को इस तरह से तरतीब दिया गया है और इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि आपने खुद ब खुद उसकी नीड पैदा हो गई, गो कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप उन चीज़ों को ख़रीदेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द रिलेटेड सर्विस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबल्स सच एज एडवर्टाइजमेंट्स, प्रोडक्ट पैकेजिंग, पैकेज लेबल्स, कूपन्स, कंज्यूमर मैगजीन्स एंड वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन विद द नियर वंस दैट अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। इसके साथ साथ कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट ये भी देखता है कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करती है या कर सकती है, या कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इस वजह से पॉपुलर नहीं हो पाई कि उनकी पैकेजिंग या उनके रैपर्स ज़्यादा खूबसूरत या अट्रैक्टिव नहीं थे। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि टॉफ़ी रैपर्स या टिशू पेपर के डब्बे या मुख्तलिफ शैम्पूस अट्रैक्टिव किस्म के पैकेजिंग में मौजूद होते हैं और आप अक्सर औकात उनको सिर्फ उनका रंग या उनकी शेप देखकर ख़रीद लेते हैं। ऑल्सो ब्रांड लॉयल्टी, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, प्राइस, मार्केटिंग एंड सेलिंग स्ट्रेटजीज आर अ फोकस ऑफ इंटरेस्ट। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट ये भी देखते हैं कि लोग क्यों एक ही ब्रांड तमाम उम्र ख़रीदते रहते हैं या कई साल एक ही शेविंग ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं या एक ही टूथपेस्ट लेना पसंद करते हैं और कभी सोचते भी नहीं कि उसको बदला जाए। क्या वजह है कि लोग एक ख़ास प्रोडक्ट से स्टिक करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट को, इसके बावजूद कि दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, दूसरी प्रोडक्ट लेने का सोचते भी नहीं। द मेन एम और गोल ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी इज़ टू डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, इन्फ्लुएंस एंड और एक्सप्लेन कंज्यूमर रिस्पॉन्सेस। बुनियादी मकसद और बुनियादी टारगेट कंज्यूमर साइकोलॉजी का कंज्यूमर है और कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर्स, क्योंकि वो चीज़ें ख़रीदने के बारे में फैसला करते हैं चीज़ों में या प्रोडक्ट्स में क्या खसूसियात होनी चाहिए कि लोग उनको पसंद करें और ख़रीदें। दूसरे लफ्ज़ों में ये इस चीज़ की साइंस है या इस चीज़ की स्टडी है कि लोगों को प्रोडक्ट्स ख़रीदने की जानिब माइल किया जाए। तो बुनियादी तौर पर कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट एक तरह से मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी तरफ वो ये काम भी कर रहा है कि कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और मैन्युफैक्चरर को इस बात पे राजी कर रहा है कि अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से पेश करें और ऐसा बनाए जो कि कंज्यूमर्स की नीड के मुताबिक हों। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट आर द साइकोलॉजिस्ट हु आर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर हैबिट्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन कंज्यूमर्स attitudes, thoughts and behaviors. Psychology की किसी भी और branch की तरह से basic principles जो consumer psychology में इस्तेमाल होते हैं वो वही हैं जो कि psychology के basic principles हैं। अभी तक हमने जितने topics psychology के discuss किए उनकी तमाम तरह की application आपको consumer psychology में भी दिखाई देगी, मगर एक मुख्तलिफ angle से। Consumer psychologist इस चीज़ में trained होता है और उसकी education इस पॉइंट के गिर्द घूमती है कि कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर्स को किस तरह से स्टडी किया जा सकता है और कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। अदर टास्क ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो एजुकेटर्स, ट्रेनर्स, रिसर्चर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर्स। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट सिर्फ मार्केट रिसर्च नहीं करते या कंज्यूमर रिसर्च नहीं करते, वो एजुकेटर्स भी हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं जो कंज्यूमर रिसर्च या स्टडी कर रही हैं। लेकिन ये सब कुछ एक सिंपल और सीधा साधा काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत और बहुत सोच और बहुत सा नॉलेज दरकार है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट एन ईजी टास्क। इवन द एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन आर नॉट एबल टू एक्यूरेटली रीड द कंज्यूमर्स माइंड। The main task of a consumer psychologist is to conduct consumer research.
इससे पहले कि हम ये देखें कि कंज्यूमर साइकोलॉजी में कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज में काम किया जाता है और किस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह से प्रोडक्ट्स को एक अपीलिंग तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है, आइए हम देखते हैं कि ब्रीफली इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है और इसका आगाज कैसे हुआ. हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी. J.B. Watson was the first ever prominent psychologist to apply principles of psychology in the field of advertising. Ab tak aap J.B. Watson ke naam se bakhoobi waqif hain. Ye wahi sahab hain jo ke American psychology mein ek nayi approach ke bani the aur jinhone Little Albert par ek experiment kiya tha fear paida karne ka. Watson wo pehle psychologist the jinhone advertisements mein इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया और जैसा कि आप जानते हैं उनकी अप्रोच बिहेवियरिस्टिक थी और उनके ख्याल में एक्सटर्नल स्टिमुलेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इंसान के बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं. इसी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट्स में इस्तेमाल किया गया कि बैरूनी स्टिमुलेशन के ज़रिए लोगों का बाइंग बिहेवियर जो है उस पर अपना इफेक्ट डाला जाए. वॉटसन बिलीव्ड दैट साइकोलॉजी कुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन until its practical utility is proved by its application and demonstration in real life situations. Aapko yaad hoga ki Watson ka khayal tha ki psychology us waqt tak ek scientific discipline nahi ban sakti jab tak usme cheezon ko practically prove na kiya jaye, experimentation na ki jaye aur cheezon ko manipulate karke aur baar baar dohra ke check na kiya jaye. Isi cheez ko unhone advertisement mein bhi istemal kiya. According to Watson, if psychology would follow the plan I suggest, the educator, the physician, the jurist and the businessman could utilize our data in a practical way. He himself designed ads for a baby powder. In that ad, he not only targeted the emotions and anxieties of mothers, but also used the experts' recommendations and the impact of using the product. यानी दो चीज़ों को इस इश्तहार में और इस अप्रोच में टच किया गया और एक्सप्लॉयट किया गया. एक तरफ तो ये कि माओं की जो एंग्जाइटी है बच्चों की वेलबींग के बारे में उस मौजू को टच किया गया और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स को इस्तेमाल किया गया कि एक्सपर्ट्स के ख्याल में ये प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल की जानी चाहिए. सो कंसिडरिंग द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड कीपिंग द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड एडवर्टाइजमेंट इन माइंड, what is the focus of interest for a consumer psychologist in brief? Focus of interest. The main focus of interest of consumer psychology is to emphasize the consumer's problems, likes, dislikes and preferences, and to develop strategies for making ads, influencing purchasing decisions, innovative marketing, brand and product techniques. Consumer psychology has various sub-fields and sub-specialities also. Consumer psychologists may work in any one of those fields and may be working in all of the fields at the same time. Sub-fields of consumer psychology: advertising, perception, life stages including time, experiences and preferences have a physical as well as psychological effect. Motivation, psychology of price and market research. Important terminology of consumer psychology: consumer behavior, personality, sales, marketing, product choice, product preference and brand loyalty. Ab tak inme se aksar terms se aap bahut achi tarah se waqif ho chuke honge, jaise ki consumer behavior ya personality ya perception. Kuch terms आपके लिए नहीं है, जैसे कि प्रोडक्ट प्रेफरेंस, जिससे मुराद ये है कि आप क्यों कर ये फैसला करते हैं कि मुझे ए प्रोडक्ट की बजाय बी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए. हालांकि दूसरे लोगों ने आपसे कहा होता है कि ए प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप एक प्रोडक्ट तो दूसरे पर प्रेफर करते हैं. इसी तरह से ब्रांड लॉयल्टी, यानी किसी एक ख़ास ब्रांड, किसी एक ख़ास कंपनी की प्रोडक्ट के साथ आपकी एफिलिएशन, एसोसिएशन या लॉयल्टी, आप महसूस करते हैं कि मुझे यही प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए.
हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि साइकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं जिनके बारे में हमने शुरू से लेके अब तक के लेक्चर्स में बात की. साइकोलॉजी की मुख्तलिफ सब फील्ड्स में और सब स्पेशलिटीज में उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है. फर्क सिर्फ इतना है कि हर एरिया या हर ब्रांच से ताल्लुक रखने वाले साइकोलॉजिस्ट अपने एक खास एंगल और पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि लर्निंग प्रिंसिपल्स, लर्निंग हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उसकी अपनी एप्लीकेशन है, हेल्थ साइकोलॉजी में उसको किसी और तरह से इस्तेमाल किया जाता है और सोशल साइकोलॉजी में एक मुख्तलिफ तरह से. कंज्यूमर साइकोलॉजी में भी लर्निंग के प्रिंसिपल्स को, जो कि आप जानते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इन सब को इस्तेमाल किया जाता है लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ और एक जुदा तरीके से, ख़ास तौर पर एडवर्टाइजमेंट्स के लिए और लोगों को किसी प्रोडक्ट की तरफ माइल करने के लिए. लर्निंग प्रिंसिपल्स यूज फॉर अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स. क्लासिकल कंडीशनिंग, एडवर्टाइजर्स यूज मॉडल्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव फीलिंग एंड अट्रैक्शन फॉर द प्रोडक्ट. क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल का बेहतरीन इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट्स में उस वक्त किया जाता है जब किसी बहुत अट्रैक्टिव मॉडल को किसी प्रोडक्ट के साथ पेश किया जाता है. उन दोनों चीज़ों को, यानी कि मॉडल और प्रोडक्ट को, इतनी दफ़ा इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो फीलिंग कंज्यूमर के दिल में उस मॉडल के लिए थी, जो कि एक पॉजिटिव फीलिंग थी, वो प्रोडक्ट पर भी शिफ्ट हो जाती है और फाइनली जो कि पहले उस प्रोडक्ट से वाकिफ नहीं था, वो सोचता है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए और उसको प्रोडक्ट भी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है. ऑपरेंट कंडीशनिंग, मैन्युफैक्चरर्स अनाउंस प्राइजेस, प्राइस कूपन्स, एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट, अपसाइज्ड प्रोडक्ट्स एट सेम प्राइस, प्राइस रिडक्शंस एंड लकी ड्रॉज फॉर कंज्यूमर्स. ऑपरेंट कंडीशनिंग, आप जानते हैं कि रीइन्फोर्समेंट के जरिए किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है या वीकन किया जा सकता है. पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट से मुराद ये है कि बिहेवियर को मजबूत बनाने की स्ट्रेटजी. मैन्युफैक्चरर्स और उनके एडवर्टाइजर्स और उनके मार्केट करने वाले लोग प्रोडक्ट के साथ ऐसे पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट्स और रिवॉर्ड्स अनाउंस करते हैं कि जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदें ताकि उनको ये रिवॉर्ड मिल सके. यही वजह है कि अक्सर प्रोडक्ट्स के लिए अनाउंस किया जाता है कि जब आप डिब्बा खोलेंगे तो उसमें से कोई इनाम निकलेगा या आपको कूपन मिलेगा और फिर उसके ऊपर आपके इनाम का फैसला होगा. अक्सर कंपनीज इससे भी बेहतर अप्रोच ये समझती हैं कि प्रोडक्ट को अपसाइज कर देते हैं, उस प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हैं और कीमत वही रखते हैं. इन सब के सब का मकसद ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए लोगों के बाइंग बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है और अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एडवर्टाइजमेंट्स शो रिनाउंड पीपल यूजिंग द प्रोडक्ट अंडर क्वेश्चन सो दैट पोटेंशियल कंज्यूमर्स फील लाइक फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या वाइकेरियस लर्निंग का भी इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट्स में किया जाता है. दूसरे लोगों को और ख़ासतौर पर मशहूर लोगों को और अट्रैक्टिव लोगों को वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है ताकि व्यूअर्स ये समझें कि ये लोग भी यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुझे भी ये इस्तेमाल करनी चाहिए. सो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स में किस तरह से एक जानब तो चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के पेश किया जाता है और दूसरी तरफ ऐसी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को टच किया जाता है और लर्निंग को एक्सप्लॉयट और मैनिपुलेट किया जाता है कुछ इस तरह से कि जो शख्स उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में अभी सोच भी नहीं रहा था वो कुछ अरसे के बाद बाजार जाता है और वो प्रोडक्ट ख़रीद के ले आता है और जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा था वो उसके साथ और ज़्यादा एफिलिएशन और एसोसिएशन महसूस करना शुरू कर देता है. सम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट प्रेफरेंस. कंज्यूमर रिसर्च के एक बड़े हिस्से में इस चीज़ पर रिसर्च की गई है कि प्रोडक्ट प्रेफरेंस को आखिर कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर को और एडवर्टाइजर को और रिसर्चर को ये मालूम हो जाए कि लोग किन फैक्टर्स या किन वेरिएबल्स की वजह से किसी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और किसी प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदते, तो उन्हीं वेरिएबल्स पर और फैक्टर्स पर काम किया जाए, उनको प्रोडक्ट में शामिल किया जाए, उनको एक्सप्लॉयट किया जाए और इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदें. पर्सनैलिटी टाइप एंड ब्रांड लॉयल्टी.
peer pressure, product price, reputation of the product, packaging, color, wrappers, shape, size, captions, etc., quality of the product, advertisement, and need. So, the research se ye maloom hua ki mukhtalif log mukhtalif products mukhtalif reasons ke liye khareedte hain. Kuch log isliye khareedte hain ki unko uski zarurat thi. Kuch log koi khaas product isliye khareedte hain ki uski price unki range mein shamil thi, jitna wo paisa kharch kar sakte the wo cheez usi keemat mein aa rahi thi. Kuch log isliye khareedte hain ki brand loyal the, wo hamesha se usi product ko istemal karte aa rahe hain. Kuch log kisi cheez ki packaging ki wajah se attract hote hain, uska rang unko acha lagta hai ya uski shape achhi lagti hai. Aapne kabhi gaur kiya ki agar aap ek shampoo khareedne ke liye jaye to aapko ek row mein beshumar rangon mein shampoos dikhai denge. اور اکثر اوقات ہم اور خاص طور پہ نوجوان یا بچے محض رنگ کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کر وہ شیمپو خرید لیتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لاجیکلی شیمپو لال ہو یا اورنج ہو یا گرین ہو یا پرپل ہو اس سے کوئی فرق اس کی کوالٹی پر نہیں پڑتا. شیمپو کی ایکچوئل کوالٹی تو یہ ہے کہ وہ بالوں کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے, لیکن اس کی بجائے اس کو کلر کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیمپوز کی بوٹلز آپ کو عام طور پر ٹرانسپیرنٹ ملیں گی, اوپیک نہیں ملیں گی. ٹرانسپیرنٹ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کا رنگ اس میں سے دکھائی دے سکے. دوسری جانب اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ خریدنی ہے تو ریسرچ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ سفید ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کو ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب ٹرانسپیرنٹ نہیں ملے گی, کیونکہ اس میں شاید اگر فروزی رنگ ڈال دیا جائے یا مرون رنگ ڈال دیا جائے اور گہرے گرین رنگ کی ٹوتھ پیسٹ ہو تو شاید بہت سے لوگ اس کو خریدنا پسند نہ کریں. یہ سب چیزیں ریسرچ کی وجہ سے ان لوگوں کو یعنی ایڈورٹائزرز کو اور مینوفیکچررز کو معلوم ہوئیں. لیکن پوٹینشیل کنزیومرز کو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اٹریکٹ کرنا ایک سمپل ٹاسک نہیں ہے. محض لرننگ کے پرنسپلز کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا جاتا, اور بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے کوگنیٹو پروسیسز ہیں جن کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے. انہیں میں سے ایک چیز ایڈورٹائزنگ اپیلز ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایڈورٹائزمنٹس میں جو اپیلز استعمال کی جاتی ہیں لوگوں کو کسی پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے یا اٹریکٹ کرنے کے لیے. ایڈورٹائزنگ اپیلز ایڈورٹائزمنٹس آر ٹو ڈیولپ اے پازیٹیو امیج اباؤٹ دا پروڈکٹ بائی یوزنگ اٹریکٹیو ماڈلز and positive feelings like happiness, excitement, curiosity, and desire. Two main techniques are used to make advertisements, soft sell appeal and hard sell appeals. Advertisers do tarah ki appeals istemal karte hain logon ko product ki taraf attract karne ke liye aur unke zehen mein product ka aur model ka ek positive image paida karne ke liye. Hard sell approach aur soft sell approach. پہلے دیکھتے ہیں سافٹ سیل اپیل یا اپروچ کیا ہے. سافٹ سیل اپیل این اپروچ یوز ٹو سیلنگ دا پروڈکٹ ان وچ دا سافٹر ایسپیکٹس آف دا پروڈکٹ آر پروموٹڈ. دا پروڈکٹ از ایسوسیٹڈ ود این امیج ریلیٹڈ ٹو دا پروڈکٹس یوز. جن ایڈورٹائزمنٹس میں سافٹ سیل اپیل استعمال کی جاتی ہے اس میں اصل پروڈکٹ کی بجائے اس کے سافٹر ایسپیکٹس کو ٹچ کیا جاتا ہے, یعنی اس کی وجہ سے جو امیج پیدا ہوگا یا اس کی وجہ سے جو فیلنگ پیدا ہوگی اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو سینٹیسائز کیا جاتا ہے. The soft sell delivers the message that the potential buyers will obtain or radiate a desirable image through the use of the product. The purpose is to attract the potential buyer through the peripheral route. یعنی جیسے کہ peripheral route processing ہے, آپ سینٹر یا کور یا پروڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ اس کے بینیفٹس اور اس سے ریلیٹڈ دوسری چیزوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا بھول جاتا ہے کہ اس وقت پروڈکٹ کی بات نہیں ہو رہی, اس کو یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کی بات ہے, جبکہ پروڈکٹ اور پروڈکٹ کی ایکچوئل کوالٹیز کو ٹچ بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا. مگر پریزنٹیشن کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ بائر یا ویور یہ جج نہیں کر پا رہا کہ یہ پروڈکٹ نہیں یہ ماڈل کی خصوصیات کا ذکر ہو رہا ہے.
Here the image rather than the product is sold. So in soft sell appeal or approach, actually they are selling the image of the product or the image of the model rather than the product itself. In return, people will of course buy the product. Wo model ko dekh kar usse mutasir hokar product khareed rahe hain aur advertisements mein kisi waqt bhi kisi mauke par bhi us product ki actual qualities ki baat tak nahi ki gayi. Examples of the soft sell appeal: advertisements promoting cosmetics talk about the beauty of the model. Cosmetics ke products mein aur khas taur pe toilet soaps aur dusri beauty products mein model ki khoobsurti ka aur uski khoobsurat jild ka ya uske khoobsurat baalon ka zikr kiya jata hai. Kabhi ye nahi bataya jata ki is product ke contents kya hain, kahin kisi research mein isko nuksan de to nahi paya gaya ya ye ki iski keemat baaki products ke muqable mein kitni zyada hai. As of men's products deliver messages about the manliness of the male model or how people are impressed by his masculinity. For example, advertisements of cigarettes. Hum jante hain ki cigarette sehat ke liye ek muzir cheez hai, lekin uski products mein aur unke ishtihar mein is tarah ke models ko istemal kiya jata hai ki jo bahut manly aur handsome dikhai de rahe hote hain, unki masculinity ko aur unki khoobsurti ko promote kiya jata hai aur product ki jo asal quality hai uska zikr nahi kiya jata, lekin log model se mutasir hote hain aur wo product khareedte hain. Hard sell appeal. The hard sell approach is the opposite of the soft sell appeal. It focuses on the qualities of the product itself. The advertisers promote the function of the product. Hard sell appeal soft sell appeal ke ek ulat appeal hai. Is appeal mein मॉडल के बजाय प्रोडक्ट का जिक्र किया जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज को प्रमोट किया जाता है और ये बताया जाता है कि प्रोडक्ट कैसी है, कितनी अच्छी है और उसकी क्या खास खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बायर को इम्प्रेस कर सकती हैं और जिसकी के बायर को जरूरत हो सकती है. क्वालिटीज लाइक टेस्ट, स्मेल, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एफिशेंसी, डिपेंडेबिलिटी एंड or its nutritional value are emphasized. It is stressed as to how much improved the consumer's lives will be because of using the product being advertised. Depend karta hai ki hum kis product ki baat kar rahe hain. Agar wo khane peene ki cheez hai to uski taste aur smell ki baat ki jayegi. Cosmetics hai to uski narmi aur uski smell ka zikr hoga. اگر کسی آٹوموبیل کا ذکر ہے تو اس کی ڈیوریبلٹی کا ذکر ہو سکتا ہے, اس کی پاور کا ذکر ہو سکتا ہے, اس کی سپیڈ کا ذکر ہو سکتا ہے. اور اگر آپ جاگرز خرید رہے ہیں تو جاگرز کی ڈیوریبلٹی, پائیداری اور اس کی لانگ لائف کا ذکر کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا سکتے ہیں کنزیومر سائیکالوجی سے ریلیٹڈ. کنزیومر ریسرچ میں ایک ریسرچ اکثر جگہ پہ کوٹ کی جاتی ہے جس میں یہ اسٹڈی کیا گیا کہ لوگ स्नीकर्स क्यों खरीदते हैं, यानी बंद जूते, जॉगर नुमा जूते जो हम पहनते हैं, आखिर लोग क्यों खरीदते हैं. क्या आपने कभी गौर किया कि अगर आप जॉगर्स खरीदने के लिए जाएं तो आपको दुकान में एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड के 10 या 15 तरह के जॉगर्स क्यों दिखाई देते हैं. ये सब कुछ भी कंज्यूमर रिसर्च का नतीजा है. रिसर्च से जाहिर हुआ कि लोग कम अज कम 9 या 10 रीजन की वजह से स्नीकर्स खरीदते हैं. कुछ लोग स्टाइल के लिए खरीदते हैं या फैशन के लिए, कुछ लोग कंफर्ट के लिए, कुछ लोग इसलिए क्योंकि उन्होंने पैदल चलना होता है, कुछ लोग इसलिए कि उन्होंने जॉगिंग करनी होती है, कुछ लोग इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई खास स्पोर्ट खेलनी होती है और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए मुख्तलिफ तरह के जूते चाहिए होते हैं, कुछ इसलिए कि उन्होंने हाइकिंग पर जाना होता है और कुछ लोग इसलिए कि उन्होंने पानी में से चलकर या कीचड़ में से चलकर जाना होता है. इसी रिसर्च की बुनियाद पर फिर जॉगर्स बनाने वाली कंपनियों ने एक वैरायटी बनाना शुरू की जॉगर्स की, जिसकी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ तरह की नीड्स रखने वाले बायर्स को अट्रैक्ट किया और अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत बड़ी अमाउंट में बेचना और प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. एग्जांपल्स ऑफ द हार्ड सेल अपील: एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जॉगर्स, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सरसाइजेस, मेटल प्रोडक्ट्स, एयर कंडीशनर्स एटसेट्रा यूज हार्ड सेल अपील.
Research findings about advertising appeals. Researchers ने जहाँ पर advertising appeals बनाने के लिए और develop करने के लिए बहुत research की, इसके साथ साथ उन्होंने advertisements पर भी research की और देखा कि किस तरह के ads में किस तरह की appeals इस्तेमाल होती हैं. Children's products are sold through soft sell appeal. बच्चों की products में अक्सर आपको soft sell appeal दिखाई देगी. मसलन cartoons का इस्तेमाल, खूबसूरत jingles का इस्तेमाल, خوبصورت کلرفل بیک گراؤنڈ کا استعمال. ان کیس آف ویمنس پروڈکٹس سافٹ سیل اپیل از یوزڈ ان ایڈورٹائزمنٹس آف کاسمیٹکس ٹوائلٹ سوپس اینڈ گارمنٹس. فیمل پروڈکٹس میں اگر تو گارمنٹس کی بات ہو رہی ہے یا صابن کی یا بیوٹی پروڈکٹس کی تو سافٹ سیل اپیل استعمال کی جاتی ہے. بٹ ان کیس آف ویمنس پرفیومز اور شوز ہارڈ سیل اپیل از پریفرڈ. Advertisements of household linen and paints use the hard sell appeal. Agar females ke jooton ki baat ho rahi ho ya perfume ki, to phir hard sell approach istemal ki jati hai. Isi tarah se ghar mein istemal hone wale linen ki, kapdon ki, tapestry ki baat ho rahi ho ya ghar mein hone wale paint ki, to uske liye bhi hard sell appeal istemal ki jati hai. Consumer research mein ek aur factor ko bhi identify kiya gaya aur dekha gaya ki uski relationship khasi had tak بائنگ بہیویئر کے ساتھ اور پروڈکٹ پریفرنس کے ساتھ پائی جاتی ہے اور وہ ہے سیلف مانیٹرنگ. ریسرچ سے دیکھا گیا کہ کچھ لوگ سیلف مانیٹرز ہوتے ہیں, ہائی سیلف مانیٹرز, اور کچھ لوگ لو سیلف مانیٹرز. سیلف مانیٹرز جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, ایسے لوگ جو اپنے بہیویئر پر نظر رکھنے والے اور اس کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. سیلف مانیٹرنگ اینڈ بائنگ بہیویئرز. سیلف مانیٹرنگ ہیز بین فاؤنڈ ٹو بی این امپورٹنٹ ویریبل in one's buying behavior and experimenting with new products. Self-monitoring is the tendency to consider our own behavior and changing it in order to present ourselves well in particular social situations. Self-monitoring ki wajah se log apne aap ko monitor karte hain, observe karte hain, situational needs aur surat-e-haal ke mutabik apne aap ko change kar lete hain. Is tarah ke log موسم کے مطابق, ارد گرد کے لوگوں کے مطابق کپڑے اور فیشن تبدیل کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے. لیکن اگر جو لوگ سیلف مانیٹرز نہیں ہیں یا بہت لو ہیں سیلف مانیٹرنگ میں, ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی یا بہت کم پائی جاتی ہے. جس کا مطلب ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ہائی سیلف مانیٹرز اور لو سیلف مانیٹرز. ہائی سیلف مانیٹرز آر فلیکسیبل ان نیچر and adjust their behavior from situation to situation in an attempt to present themselves in an effective manner. They are concerned about the image they project and are apt to show conspicuous variations in their behavior from one social context to the next. High self-monitors toh flexible hain aur dusron ke mamle mein conscious hain aur sensitive hain, isliye apne aap ko بدلنے میں, نئے نئے فیشنز ٹرائی کرنے میں, نئی پروڈکٹس ٹرائی کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے. لیکن لو سیلف مانیٹرز ان سے خاصے مختلف ہوتے ہیں. ان کانٹراسٹ, لو سیلف مانیٹرز آر ریلیٹیولی مور فکسڈ ان دیئر جنرل ایٹیٹیوڈ. دے آر مچ لیس سینسیٹیو ٹو دا ڈیمانڈز آف ڈفرنٹ سوشل سیٹنگز اینڈ دیئر بیہیویئر از مور انڈیکیٹیو آف دیئر ایٹیٹیوڈز, ویلیوز اینڈ بلیفس. The behavior of low self-monitors is considerably more consistent across situations as compared to that of high self-monitors. Low self-monitors wo sari experimentation nahi karte jo ki high self-monitors karte hain, aur wo ek situation se dusri situation ya ek context se dusre context mein jaate hue apne aap ko tabdeel karna kuch zyada zaruri nahi samajhte. High self-monitors are affected more by advertisements in general and soft sell appeal in particular. Iska matlab ye hua ki high self-monitors zyada nayi products khareedte hain, fashion ki taraf zyada mail hote hain, aur baaz waqt jab unko zarurat nahi bhi hoti, ishtihar se mutasir hokar product khareed lete hain. Jabki low self-monitors aam taur par usi waqt product khareedte hain jab unko waqai uski zarurat ho, aur aam taur par wo brand loyal bhi zyada hote hain binisbat ہائی سیلف مانیٹرز کے. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب چیزیں کنزیومر سائیکالوجسٹ کس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں اور کیا طریقے اختیار کرتے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ کنزیومرز کی
नीड्स क्या है, कंज्यूमर को कौन से वेरिएबल्स, कौन से फैक्टर्स और कौन सी अपील्स मुतासर कर सकती हैं, वो हाई सेल्फ मॉनिटर्स हैं या लो सेल्फ मॉनिटर्स। इसके लिए रिसर्च के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं जिनसे आप वाकिफ हैं, लेकिन कुछ खास अप्रोचेस और कुछ खास टेक्निक्स कंज्यूमर साइकोलॉजी में इस्तेमाल की जाती हैं जो कि और एरियाज में इस्तेमाल नहीं होती। इन्हीं में से एक चीज या एक अप्रोच साइकोग्राफिक्स का इस्तेमाल है, जिसमें हम साइकोग्राफिक प्रोफाइल्स की बात अभी करेंगे। साइकोग्राफिक्स इन्वेस्टिगेटिंग द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर्स। When the manufacturer launches a product or the advertiser plans a campaign, they have to be aware of the needs of the potential buyers. Research has shown that people belonging to different backgrounds and different socio-economic classes have different buying needs and behaviors. Psychographics mein ki jane wali research se maloom hua ki tamam log ek si need nahi rakhte aur ek si tarah ki प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस उनकी नहीं होती। नीड में और प्रोडक्ट प्रेफरेंस में या बाइंग बिहेवियर में इस चीज का दखल है कि कोई शख्स या पोटेंशियल कंज्यूमर किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, किस कल्चर से ताल्लुक रखता है, किस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है। इट हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट पीपल विद डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स एंड नीड्स गो फॉर डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। रिसर्चर्स हैव यूज्ड different psychological profiles of people based upon their lifestyles to predict and target their needs. Researchers ne bahut se logon par research ki, bahut se subgroups par aur subcultures par bhi research ki aur is natije mein pahunche ki mukhtalif background se aur mukhtalif socio-economic level se taluq rakhne wale log aur khas tarah ke lifestyle rakhne wale logon ki needs mukhtalif tarah ki hoti hain, unke buying behaviors mukhtalif tarah ke hote hain, jiska matlab hai kun ko مائل کرنے کے لیے اور اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اپیل کرنے کے لیے مختلف طرح کی اپیلز کی ضرورت ہوگی اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اشتہاروں میں ٹچ کرنا ضروری ہوگا۔ سائیکوگرافکس از اے ٹیکنیک فار ڈیوائڈنگ پیپل انٹو لائف اسٹائل پروفائلز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو پرچیزنگ پیٹرنز۔ سچ پروفائلز ٹیک انٹو اکاؤنٹ کیریکٹرسٹکس ایز میرٹل اسٹیٹس، ریس an ethnic background and educational level as well as the kinds of activities that potential buyers engage in. Yani unhone logon ke gender ko zehen mein rakha, wo shaadi shuda hain ya gair shaadi shuda hain, taleem yafta hain ya uneducated hain, unki financial position kya hai, unki rozmarra ki zindagi ke mamool kya hain, lifestyles kya hain aur uske mutabik unhone advertising campaigns bhi banayi aur consumer research ki strategies bhi develop ki. One of the most popular and widely used general classification systems for consumers is VALS or Values and Lifestyles. The VALS approach divides consumers into four major groups. Values and Lifestyles ke system ke tahat, jo ke shayad pehla organized system tha jisme logon ko unke lifestyle ke hisab se divide kiya gaya aur uske mutabik unke profiles banaye gaye aur uski buniyad par unki needs ko determine kiya gaya, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि इनको कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है और क्या एडवर्टाइजिंग अपील्स होंगी जो उनको मुतासिर करेंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी ऐसे इलाके में एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को जहाँ पे लोग वीडियो फिल्म देखते हैं और वीडियो फिल्म खरीदने के लिए उनकी दुकान पर जाते हैं, तो शायद किसी पार्क में उन चीज़ों का इश्तहार लगाना एक मुनासिब अप्रोच नहीं होगी। लेकिन अगर इसके पोस्टर्स उन दुकानों पर लगा दिए जाएं जहां पर वो अक्सर विजिट करते हैं तो वो यकीनन उन इश्तहारों को पढ़ लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स के ट्यूशन सेंटर्स के इश्तहार आप देखते हैं कि अक्सर बुक स्टोर्स पर लगे होते हैं, क्योंकि बुक स्टोर्स या बुक स्टॉल्स ऐसी जगह हैं जहां पर स्टूडेंट्स ज़रूर स्टेशनरी या किताबें खरीदने के लिए आते हैं। अगर किताबों के या ट्यूटर्स के इश्तहार या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इश्तहार सिनेमा के बाहर लगा दिए जाएँ तो शायद उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बुक शॉप पर आएंगे ही सिर्फ वही लोग जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है जिसको हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। वेल्स नाइन अमेरिकन लाइफस्टाइल्स। वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल्स के सिस्टम के तहत अमेरिकन लाइफस्टाइल्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उसके मुताबिक उनकी नीड्स डिटरमिन की गई। हम अगर कोशिश करें और हम इसको समझ लें
तो हम देख सकते हैं कि हमें यही चीज अपनी सोसाइटी पर भी अप्लाई होती हुई दिखाई देगी और हम इसको अपने यहाँ भी रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं. इट डिवाइड्स पीपल इनटू नीड ड्रिवन कंज्यूमर्स एंड आउटर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स. नीड ड्रिवन कंज्यूमर्स इंक्लूड सर्वाइवर्स एंड सस्टेनर्स. आउटर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स इंक्लूड बिलोंगर्स एमुलेटर्स अचीवर्स. Inner directed consumers include I am me, experientials, societally conscious. Combined outer and inner directed group includes integrateds. In categories ko batane ka maksad ye hai ki research se ye baat zahir hui ki mukhtalif lifestyles aur in tamam categories se taluq rakhne wale log mukhtalif wajuhat ki bina par shopping karte hain ya unka buying behavior mukhtalif फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो कि बुनियादी तौर पर उनके लाइफस्टाइल पर बेस्ड है. नीड ड्रिवन कंज्यूमर्स दे मेक परचेजेस प्राइमरली टू सेटिस्फाई बेसिक एलिमेंटल नीड्स. आउटर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स दे मेक परचेजेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर ओन सेल्फ अवेयरनेस. द आउटर एंड इनर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स हैव सिमिलर सोशल एंड सेल्फ नीड्स. द आई एम मी इंक्लूड्स यंग egocentric people confused about their goals in life. The experientials, that were former I am me's who become surer of their goals and more outward looking and socially conscious, mature, well-informed individuals with a strong interest in social issues such as politics or the environment. Yani, jo log पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो हैं जो सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए खरीदारी करते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज इतनी ही होती है. फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से शॉपिंग करते हैं. उनको बहुत सी चीज़ें इसलिए लेनी पड़ती हैं कि अगर उनके पास वो नहीं होंगे या उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों पर इसका एक मुख्तलिफ असर पड़ेगा. कुछ लोग ऐसे हैं खासतौर पर यंग लोग जो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अपना एक स्टाइल बनाने में कोई आर नहीं समझते और उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके स्टाइल के बारे में क्या कह रहे हैं. यही लोग जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट अब भी कर लेते हैं लेकिन उस वक्त उनके जहन में ये भी होता है कि जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या जो स्टाइल मैंने इख्तियार किया है मुझे तो अच्छा लग रहा है, उसे दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए. इन चीज़ों को जहन में रखते हुए रिसर्चर्स जो है अपनी कैंपेन्स बनाते हैं. जो प्रोडक्ट जिस तरह के ग्रुप के लिए होती है उसी को उसमें इस्तेमाल किया जाता है. अगर हम एक ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं जो कि सिर्फ रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल होगी तो हम उसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान का या बल्कि उर्दू का भी इस्तेमाल नहीं करते और हमारी कोशिश होती है कि उसका इश्तहार रीजनल लैंग्वेज में हो. लेकिन अगर हम एक इश्तहार किसी ऐसी प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं जो कि रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल होगी और उसके पोटेंशियल या वुड बी बायर्स एजुकेटेड लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके पास खासी दौलत है और जिनके पास ज़िंदगी की बहुत सी फैसिलिटीज़ मॉडर्न फैसिलिटीज़ पहले से मौजूद हैं तो इश्तहार की लैंग्वेज भी फ़र्क होगी, बैकग्राउंड भी फ़र्क होगी, कैप्शन और स्लोगन्स भी मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाएंगे और बैकग्राउंड भी उससे मुख्तलिफ होगी जो कि एक रूरल कंज्यूमर के लिए थी. कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट इसके अलावा और भी मुख्तलिफ एरियाज में रिसर्च करते हैं. मिसाल के तौर पर बहुत सी रिसर्च इस चीज़ पर की गई कि मुख्तलिफ सब कल्चर्स में बाइंग बिहेवियर्स में और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कोई भी बायर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले किन मेंटल प्रोसेसेस से गुजरता है, क्या कॉग्निटिव मैनिपुलेशंस होती हैं जिसके बाद किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने का डिसीजन किया जाता है. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके प्रोडक्ट ख़रीदने तक मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं और एक दफ़ा जब हम प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं उसके बाद हम उसको दोबारा से री इवेलुएट भी करते हैं. पहले हम इवेलुएशन करते हैं कि आया मुझे ये चीज़ ख़रीद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, फिर हम उसको ख़रीद लेते हैं. ख़रीदने के बाद हम फिर से उसका जायज़ा लेकर रीवैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा फ़ैसला सही था या नहीं था. आम तौर पे इस तरह की स्टेजेस और इस तरह की डिसीजन मेकिंग उस वक्त इन्वॉल्व होती है जब प्रोडक्ट बहुत अहम हो और बहुत महंगी हो. जहाँ पर प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर गुजारा नहीं है आम तौर पर इतनी ज़्यादा थिंकिंग नहीं की जाती, लेकिन जहाँ पर आप उसके बारे में डबल माइंडेड हों तो आपके लिए फैसला करना मुश्किल हो सकता है.
آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو کنزیومر سائیکالوجی کے بارے میں بہت سی چیزیں بتا سکیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ شاید یہ ایک ایریا ہو جس میں آپ اپنی فیوچر اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں اور اس کے لیے بہت سے ایونیوز آپ کے سامنے کھلے ہوں گے بہت سی اوپننگس اویلیبل ہیں اگلے لیکچر میں ہم ایک بالکل نئی فیلڈ آف سائیکالوجی کی بات کریں گے جس سے آپ شاید زیادہ واقف نہیں ہوں گے وہ ہے اسپورٹس سائیکالوجی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ